दुनिया की कुछ यूनिक ब्यूटी जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बॉडी डिजाइनिंग। दोस्तों, टैटू तो आपने देखे होंगे, मगर इथियोपिया की कुछ ट्राइब्स में लोग अपने जिस्म पर अजीबोगरीब तरह के निशान खुदवा लेते हैं। पुरुष अपने जिस्म पर युद्ध से जुड़े स्लोगन बनवाते हैं, जबकि महिलाएं धर्म या उनके देवता से संबंधित डिफरेंट तरह के मैसेजेस डिजाइन करवाती हैं। ट्रेडिशन विद लेग्स। दोस्तों, व्यक्ति की सीधे टांगे तो अच्छी लगती है, मगर अगर पैरों को मोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही बुरी लगेंगी, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं मानता। चाइना में कुछ इलाकों में एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए लोग अपनी टांगों को मुड़वा लेते हैं। अपने पैरों को मुड़वाने का ये काम सबसे पहले पुराने जमाने की एक डांसर ने किया था, जिसके बाद आज तक उस ट्रेडिशन पर अमल होता है। इस प्रक्रिया में बहुत दर्द होता है, फिर भी लड़कियां अपने पांव मोड़ लेती है। सबसे पहले टांगों को गर्म पानी में रख कर नरम किया जाता है, फिर पांव की कुछ हड्डियां तोड़कर इनको एक खास ट्रायंगल शेप में मोड़ दिया जाता है, और फिर एक सिल्क स्ट्रिप से इसको बांध दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 साल लग जाते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक दफा मुड़े हुए पांव दोबारा सीधे नहीं किया जा सकते। लेकिन नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, और बगल में लगी घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। वैम्पायर टीथ। दोस्तों, आपने हॉरर मूवीज में वैम्पायर तो देखे ही होंगे। इनकी सबसे बड़ी निशानी इनके बाहर निकले हुए नुकीले दांत होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में कुछ जगहों पर एक कल्चर है कि लड़कियां अपने दांतों को जानबूझकर नुकीला बनाती हैं, ताकि वे वैम्पायर जैसी दिखे। जापान में इस कल्चर को एक फैशन दिया जाने लगा, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका तक में ट्रेंड पहुंच गया है। नोज प्लग विमन। भारत की अब्तानी जनजाति से ताल्लुक रखने वाली औरतें अपनी नाक की दोनों साइड पर प्लग्स लगाती हैं। उनका मानना है कि ये उनकी पुराने जमाने से चली आ रही एक रस्म है। पुराने समय में जब इस जनजाति पर दूसरी जनजाति हमला करती थी, तो वे यहाँ की औरतों को उठाकर ले जाते थे, तो इसलिए कबीले के सरदार ने ये रस्म बनाई और सभी खूबसूरत लड़कियों की नाक पर ऐसे प्लग्स डाल दिए गए ताकि वो खूबसूरत ना लगे और कोई उनको उठाकर ना ले जाए। वर्ष 1970 के बाद ये रिवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। ए मॉडल विद डाउन सिंड्रोम। यह है सिर्फ 21 साल की उम्र की मेडेलिन स्टुअर्ट नाम की मॉडल, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम का शिकार है। इसके बावजूद ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 8,50,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और ये दुनिया की पहली ऐसी मॉडल है जो इस डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाली मेडेलिन को पहली बार उनकी फिटनेस जर्नी की वीडियोज में देखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 50 पाउंड तक वजन लूज किया है। ए मॉडल विद बियर्ड। हर नाम को और एक ऐसी औरत जिनके चेहरे पर मर्दों की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी है। 25 साल तक इनको बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ी, बहुत से लोगों ने इनको बुरा भला कहा, इनका मजाक उड़ाया, मगर ये भी हिम्मत छोड़ने वालों में से नहीं थी। ये जब सिर्फ 16 साल की थी तो एक हार्मोनल डिसऑर्डर PCOS का शिकार हो गई और उनके चेहरे पर बाल आने लगे, लेकिन इस सिचुएशन का इन्होंने मजबूती से सामना किया और अपनी इस दाढ़ी का इन्होंने अपने स्टाइल में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस अनवांटेड आई दाढ़ी के साथ पगड़ी पहनना शुरू कर दिया और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। अब ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। ए मॉडल विद विटिलिगो। ये एक ऐसी लड़की जो एक जमैकन फैमिली में पैदा हुई, और पैदा होते ही ये स्किन की एक ऐसी बीमारी का शिकार हुई जिसे विटिलिगो कहते हैं। इस बीमारी में जिस्म पर डिफरेंट प्रकार के दाग बन जाते हैं और ये बहुत ही अजीबोगरीब लगने लगता है। इम्यूनिटी सिस्टम की खराबी के कारण पैदा होने वाली बीमारी होती है। इनको इस बीमारी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लोग इनको तंग किया करते थे, इनको बुरे नामों से पुकारते थे, मगर इन्होंने अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। एक जर्नलिस्ट ने इनको अपने YouTube वीडियो में लिया, जिसमें इनकी कंडीशन के बारे में बताया गया, और ये वीडियो एकदम से वायरल हो गया और फौरन उस पर 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। उसके बाद सिर्फ 16 साल की लड़की मॉडलिंग की दुनिया में छा गई। एल्बियाना सुपर मॉडल। ये मॉडल हांगकांग के एक शरणार्थी खानदान में पैदा हुई थी। इनको एक ऐसी बीमारी है जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। इस बीमारी में ये लोग स्किन में पिगमेंट के बगैर ही पैदा होते हैं, और इनकी स्किन में मेलानिन नाम का केमिकल नहीं बनता, जिससे इनकी स्किन और आंखों का नेचुरल कलर नहीं निकलता, जिससे इनकी स्किन और आंखों का कलर पीला पड़ जाता है। लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और फैशन मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने फ्रांस के एक फेमस फैशन डायरेक्टर को अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भेजी, जो उसे पसंद आई, और अब वो एक फेमस मॉडल है। लिप प्लेट। दोस्तों, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है कि वो किस चीज को किस अंदाज से देख रहा है। इथियोपिया के लोग किसी औरत की खूबसूरती को इस तरह जज करते हैं कि उस औरत की लिप प्लेट यानी होठों पर लटकने वाली प्लेट जितनी भारी होगी वो उतनी ज्यादा खूबसूरत समझी जाएगी।
ये लिप प्लेट मिट्टी से बनी हुई प्लेट्स होती हैं, जिनका साइज 35 सेंटीमीटर तक होता है। इथियोपिया की औरतें अपने लिप्स पर ये प्लेट लगाती हैं। इसके लिए सबसे पहले उनके 2 से 5 दांत तोड़े जाते हैं और फिर उनका नीचे का होंठ काट कर लिप प्लेट फिट कर दी जाती है। ये प्रोसेस लड़की के जवान होते ही शुरू कर दिया जाता है और जब लड़कियां बड़ी होती है तो उनके होठों पर बड़ी प्लेट लगा दी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जितनी बड़ी प्लेट होगी वो औरत उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी और उनके कॉन्फिडेंस में उतना ही ज्यादा बूस्ट आएगा। द मेलानिन गॉडेस। अपनी छोटी सी उम्र में अपने रंग की वजह से फेमस होने वाली ये मॉडल है, जिनकी त्वचा का रंग बहुत ज्यादा ब्लैक है, लेकिन इनके काले रंग ने इनको 17 साल की उम्र में ही एक सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया। इन्होंने एक डाइवर्सिटी कैंपेन में हिस्सा लिया था, जिसका उद्देश्य समाज में ये जागरूकता फैलाना था कि सब रंग के लोग समान होते हैं। उस कैंपेन के दौरान इनकी फोटो इंटरनेट पर इतनी वायरल हुई कि रातों रात एक स्टार बन गई। ये पहले फ्रांस में एक मॉडल के रूप में काम करती थी, लेकिन अब ये न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई है। इनके मॉडलिंग की दुनिया में आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ रही है। वायरल होने के कुछ दिनों बाद इनके सोशल मीडिया पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। CNN को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा कि मुझे काले होने में कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे उस पर हमेशा फक्र रहा। आपको इन सब में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रोमांचक लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।